हाय गाइस, हम बात कर रहे हैं फंक्शन इन पाइथन के बारे में। एंड आज का वीडियो बहुत कमाल का वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लैम्ब्डा फंक्शंस के बारे में। लैम्ब्डा फंक्शंस को लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस भी बोला जाता है एंड एनोनिमस फंक्शंस भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं कि लैम्ब्डा फंक्शंस होते कैसे एंड इनका यूज कैसे किया जाता है। लैम्ब्डा फंक्शन, आप इसे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोल सकते हैं, बहुत सारे नेम से। लैम्ब्डा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको कोई नेम नहीं होता है। अ फंक्शन विदाउट नेम इज कॉल्ड एज लैम्ब्डा फंक्शन। जब आप फंक्शन डिफाइन करते हैं तब आप डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन नेम लिखते हैं, लेकिन जो लैम्ब्डा फंक्शन होते हैं इनका कोई नेम नहीं होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शंस। लैम्ब्डा फंक्शन को अगर क्रिएट करना है तो हम लैम्ब्डा कीवर्ड का यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ डेफ कीवर्ड। नॉर्मल फंक्शन को हम बनाते थे बाय यूजिंग डेफ कीवर्ड, लैम्ब्डा फंक्शन को हम बनाएंगे लैम्ब्डा कीवर्ड से। सो दिस इज अ सिंटैक्स फॉर द लैम्ब्डा फंक्शन। सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे लैम्ब्डा कीवर्ड। कीवर्ड लिखने के बाद आपको इनपुट्स देने, इनपुट्स फॉर द फंक्शन, दिस इज अ आर्गुमेंट लिस्ट। देन कोलन लिख के आपको यहाँ पे कोई पाइथन स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन लिखना है। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते, इसमें भी रूल्स आते हैं, मैं आपको ये रूल्स बताऊंगा। लाइक आप यहाँ पे इफ एल्स का यूज नहीं कर सकते, फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते, सिर्फ सिंपल सिंपल एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लैम्ब्डा कीवर्ड मैंने लिखा, एक्स इज अ आर्गुमेंट, देन कोलन लिख के दिस इज अ फंक्शन बॉडी, इसमें आप एक्सप्रेशन लिखेंगे विच इज अ सिंगल लाइन एक्सप्रेशन, सिंगल लाइन पाइथन स्टेटमेंट। मैंने लिखा है प्रिंट करो दैट एक्स वैल्यू, जो यहाँ पे इनपुट आई है। सो दिस इज अ लैम्ब्डा फंक्शन। अब आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है। सो दिस इज अ एनोनिमस फंक्शन, अ फंक्शन विदाउट नेम, दैट इज अ लैम्ब्डा फंक्शन। तो ये सिंपल चीजें तो आपको समझ में आई होगी कि लैम्ब्डा फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, इसके लिए लैम्ब्डा कीवर्ड का यूज किया जाता है, इसको कोई नेम नहीं होता है, एंड इसका सिंटैक्स एंड ये एग्जाम्पल। चलिए और डिटेल में लैम्ब्डा फंक्शन को समझते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कैन वी प्रोवाइड मल्टीपल आर्गुमेंट्स इन द लैम्ब्डा फंक्शन, एंड इसका आंसर है यस वी कैन। देखिए लैम्ब्डा कीवर्ड के बाद मैंने दो आर्गुमेंट्स लिखे, दिस इज अ आर्गुमेंट लिस्ट, सो वी कैन प्रोवाइड मल्टीपल आर्गुमेंट्स। यहाँ पे मैंने दो आर्गुमेंट्स दिए ए एंड बी, एंड देन उसका मैं एडिशन कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग, हाउ टू क्रिएट लैम्ब्डा फंक्शन। सो लैम्ब्डा फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लैम्ब्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। लैम्ब्डा कीवर्ड के बाद आर्गुमेंट की लिस्ट स्पेसिफाई करनी पड़ती है, दीज आर इनपुट्स टू द फंक्शन। सपोज मैं एक इनपुट देता हूँ ए, एंड इस ए में मुझे ऐड करने हैं सपोज 10, तो मैं लिखूंगा ए प्लस 10। सो दिस इज अ सिंपल पाइथन एक्सप्रेशन, सिंपल पाइथन स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न होता है। सो देयर इज नो नीड टू राइट रिटर्न। अब बात आती है कि लैम्ब्डा फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे अगर इसका कोई नेम नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस लैम्ब्डा फंक्शन का कोई नेम नहीं दिया है, तो इसे कॉल कैसे करना है। इसे कॉल करते हैं हम बाय यूजिंग एलियास। एलियास मतलब हम इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स कंसिडर एडिशन, और एड मैंने नाम दे दिया इस फंक्शन का। अब एड फंक्शन को मैं करूंगा कॉल। देखिए ये नेम नहीं है, दिस इज जस्ट एन एलियास फॉर दिस फंक्शन। एड में मैं एक आर्गुमेंट पास करूंगा द इनपुट्स फॉर द ए, सपोज मैं पास करता हूं 10, सो 10 यहां पे जाएगा, 10 प्लस 10 होगा 20, एंड ये वैल्यू ऑटोमेटिकली रिटर्न होगी। मैं सेव करता हूँ इसे एंड रन करता हूँ, आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा, मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एड ऑफ 10, सेव एंड रन, यू कैन सी यू विल गेट 20। ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गई वैल्यू यहाँ पे, जहाँ पे हमने कॉल किया है इस एलियास को। अगर आप प्रिंट करते ऐड को, तो दिस इज अ फंक्शन ऑब्जेक्ट। सो ऐड को अगर आप प्रिंट करते हैं तो दिस इज अ फंक्शन लैम्ब्डा एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। सो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, एक फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है इस एड वेरिएबल को। एंड जब आप इस एड वेरिएबल को कॉल देते हैं विद द आर्गुमेंट, तो इस फंक्शन को, इस लैम्ब्डा फंक्शन को कॉल दिया जाता है, एंड ये वैल्यू रिटर्न होती है जहां पे आपने कॉल दिया है।
अब यहाँ पे सिर्फ आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं, आप कोई इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल सीक्वेंसेस का यूज नहीं कर सकते, ना ही फॉर लूप ना ही व्हाइल लूप, कोई ऐसे लूप वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिंपल पाइथन एक्सप्रेशंस एंड प्रिंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब सपोज मुझे दो नंबर को एडिशन करने का कोड लिखना है, तो नॉर्मली कैसे बनाते हैं हम फंक्शन? डेफ कीवर्ड एड, इसमें दो पैरामीटर्स ए एंड बी, देन रिटर्न करवाते हैं ए प्लस बी, जहां पे फंक्शन हमने कॉल किया है 10, 20। इसके लिए लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे लिखना है? सो फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है, लैम्डा कीवर्ड लिखिए, डायरेक्टली आर्गुमेंट्स ए कॉमा बी, देन कोलन एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दीजिए। सो आपको रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सो फंक्शन नेम के लिए जो नेम स्पेस बनता है, जो मेमोरी अलोकेट होती है फॉर दिस वेरिएबल, वो मेमोरी यहाँ पे अलोकेट नहीं होगी। सो लैम्डा फंक्शन कम मेमोरी लेता है देन दैट ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। देन इस फंक्शन के लिए आप एक एलियास बनाइए, एलियास नेम मैं देता हूँ एड, देन आप इसको कॉल करेंगे एड ऑफ 10, 20, प्रिंट कीजिए। यहाँ पे प्रिंट करने के बाद भी आपको 30 ही मिलेगा एंड नीचे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 30 मिलेगा, सेव एंड रन, 2 times 30 प्रिंट करके मिलेगा। यू कैन सी 1 is for this and 1 is for this। लाइक अगर आप यहाँ से मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं, आपको दोनों करना है, एडिशन भी करना है एंड सब्ट्रैक्शन भी करना है, तो जहां पे आपने ऐड किया है, ऐड को कॉल किया है, वहां पे आप दो वेरिएबल बनाएंगे ऐड एंड सब। सो ऐड में आ जाएगा एडिशन दैट इज ए प्लस बी एंड सब में आ जाएगा ए माइनस बी। सेम हम यहां पे कर सकते हैं, जस्ट राइट ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, तो यहां से दो वैल्यूज ऑटोमेटिकली रिटर्न होगी यहां पे, देन इसको असाइन कीजिए ऐड कॉमा सब। सो अगर आप देखेंगे प्रिंट करेंगे ऐड को तो आपको एडिशन प्रिंट करके मिलेगा, प्रिंट करेंगे सब को तो आपको सब्ट्रैक्शन प्रिंट करके मिलेगा। मैं इस कोड को निकाल देता हूँ, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, नेम एरर आया है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। अब ध्यान दीजिए नेम एरर क्यों आया है, ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं इसको आपको पैरेंथेसिस के अंदर देना पड़ेगा ताकि ये पूरा का पूरा टपल बन के रिटर्न हो। सेव करता हूँ एंड रन करता हूँ, यू कैन सी गाइज नाउ 30 इज द एडिशन ऑफ 10 and 20 एंड -10 इज द सब्ट्रैक्शन। सो लैम्डा फंक्शन में अगर आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हैं तो ऑलवेज स्पेसिफाई पैरेंथेसिस। सेकंड, यू कैन पास एनी टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है आर्गुमेंट्स के, पोजिशनल आर्गुमेंट्स है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स है। सो यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज करके देखते हैं। सो मैं पास नहीं करता हूँ वैल्यू फॉर द सेकंड आर्गुमेंट एंड यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ सपोज 50। सो यहाँ से मैंने पास नहीं करी है, ए में जाएगा 10, बट वॉट अबाउट बी, बी में डिफॉल्ट वैल्यू दी है हमने, यू कैन सी यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज यूज होगी 10 + 50 दैट इज 60, 10 - 50 - 40। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे हमने यूज किया है, यू कैन गिव कीवर्ड आर्गुमेंट ऑल्सो, सी हियर सेम आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज अ कीवर्ड आर्गुमेंट, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज किया है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द लैम्डा फंक्शन इज यू कांट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इन दिस एक्सप्रेशन हियर। सो अगर आप एक्सप्रेशन में असाइन करने की कोशिश करते हैं, लाइक मैं असाइन करने की कोशिश करता हूँ ए हैज वैल्यू 100, तो ये वैलिड नहीं है गाइज। यू कांट क्रिएट वेरिएबल्स इन द लैम्डा फंक्शन लाइक दैट, आप लोकल वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं व्हाई लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन का क्यों यूज करना है। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है लैम्डा फंक्शन का, इट कैन बी यूज्ड एज फंक्शन आर्गुमेंट्स। देखिए फंक्शन में आप आर्गुमेंट के तौर पर दूसरा फंक्शन भी दे सकते हैं, जैसे आप वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं 10, 20, 30, वैसे आप दूसरे फंक्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन इज अ ऑब्जेक्ट, इट इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट एंड आप उस फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पर दूसरे फंक्शन में दे सकते हैं एंड इसका यूज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इन क्लोजर्स एंड डेकोरेटर्स। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, इसके बारे में हम जानेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में। मेमोरी इफिशियंट है, कम मेमोरी लगता है, फंक्शन नेम के लिए मेमोरी अलोकेट नहीं करनी पड़ती है, एनोनिमस फंक्शन है। थर्ड एडवांटेज इज फास्ट एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन नॉर्मल फंक्शन से फास्ट होता है
And fourth and very important use of the lambda function is इसको आप filter, map, reduce which are higher order functions इनके साथ use किया जा सकता है. So guys और भी बहुत सारे lambda function के uses है, like nested functions में इसको use किया जाता है. Nested function अभी तक हमने सीखा नहीं है, जब हम सीखेंगे तो कैसे उसमें lambda function का use किया जाता है सारी चीजें देखेंगे. This is just introductory video to the lambda function or a lambda expression or an anonymous function. I hope कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. We'll see you next time.